हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से चैनल इंग्लिश विद पुष्पेन सर में। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये क्वेश्चन किए थे और ये प्रैक्टिस सेट नंबर इसके पहले का था आपका। आज हम उसी के आगे स्टार्ट करें। 6:30 तक हम लोगों ने क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं। 6:31 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइएगा, सेशन को शेयर कर जरूर कर दीजिएगा, बाकी सभी कैंडिडेट भी कनेक्ट हो सके, ठीक है। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इंग्लिश विद पुष्पेन सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी तरीके की क्वेरीज हैं तो आप इस नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट अपने सेशन को और मिलते हैं बंधु। देखिएगा, ये 2000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज आपकी चल रही है, ठीक है। इससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग और इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है आपके अग्निवीर एयरफोर्स के पेपर में। आइए, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। दैट विच इज आउट डेटेड आर आउट ऑफ यूज, जो चलन में ना हो, जो यूज में ना रहा हो, उसको आप क्या बोलते हो। एंशियंट का मतलब बंधु होता है प्राचीन, इसका मतलब होता है प्राचीन, और इसी को बोलते हैं हम लोग प्रमिटिव बोलते हैं। PRIMITIVE प्रमिटिव, ठीक है। इसी को एंटिक बोलते हैं। एंटिक का मतलब भी कैसा होता है, प्राचीन होता है। इसी को एंटीक्वेटेड भी बोलते हैं, एंटीक्वेटेड, क्लियर। या एंटीक्वेरियन इस तरीके का पर्सन होता है जो पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करता है, उसको बोलते हैं। ये वर्ड याद रख सकते हो। स्टेबल का मतलब अस्तबल, जहाँ पर हॉर्सेस को रखा जाता है। अ प्लेस वेयर हॉर्सेस आर कैप्ट। अब्सोल्यूट और अब्सोल्यूट का मतलब कम्प्लीटली होता है, पूर्णतया होता है, ठीक है। अब्सोल्यूट पावर, इसका मतलब कम्प्लीट पावर, क्लियर। और अब्सोल्यूट का मतलब जो चलन में नहीं रहा है, अप्रचलित इसको बोलते हो आप, अप्रचलित, जो चलन में ना हो उसको बोलते हो आप अब्सोल्यूट। इसी को बोलते हो आप आउटडेटेड, इसी को बोलते हो आप क्या, आउटडेटेड, या फिर इसी को बोलते हो आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट, और इसी को बोलते हो आप आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ फैशन, ये बोलते हो। ये सारे वर्ड इसी को बोलते हैं इम्पासे। इसी के लिए एक वर्ड आता है आपका इम्पासे। अब हो सकता है अगली बार ये दूसरा वर्ड उठा करके आपको दे दे तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया, थर्ड हो गया बंधु। नेक्स्ट, 6:32, वन हु डज नॉट मिक्स फ्रीली विथ अदर्स, जो आसानी से किसी के साथ मिक्स नहीं होता, उनके साथ घुलता मिलता नहीं है, उसको क्या बोलते हो। ऑटोक्रेसी, एक व्यक्ति का शासन ऑटोक्रेसी कहलाता है। बायगॉट का मतलब ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप, ये कैसा होता है, कट्टर होता है, धर्मांध होता है, जो अपने धर्म के प्रति बहुत अंधा होता है, इसी को हम लोग फैनेटिक बोलते हैं, FANATIC, ठीक है। इसी को हम डॉगमेटिक बोलते हैं, जो अपनी बात से हिले ना डिगे ना, उसको डॉगमेटिक बोलते हैं, क्लियर। अथीस्ट का मतलब आस्तिक होता है, जो भगवान पर विश्वास करता है, उस तरीके का पर्सन क्या होता है, थीस्ट, आस्तिक होता है। अनसोशिएबल, जो सोशल नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर आपका यही होगा, जो लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं है, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रीली मिक्स नहीं होता है, उस तरीके का इंसान अनसोशिएबल कहलाता है। सोशिएबल मतलब सामाजिक होता है, और ये कैसा है, ये अलूप टाइप का इंसान होता है, जो बिल्कुल अलग अलग रहना पसंद करता है, और जो रिजर्व टाइप का इंसान होता है, क्लियर, ये कह सकते हो आप, जो रिमोट कह सकते हो, अलग अलग रहता है, दूर दूर रहता है, उस तरीके के इंसान को हम लोग बोलते हैं। ये कैसा इंसान होता है, ये इंट्रोवर्ट होता है, ये अंतर्मुखी होता है, ये अपनी फीलिंग्स दूसरे के साथ शेयर नहीं करता है। तो ये वर्ड आप याद कर सकते हो, अलूफ है, रिजर्व है, रिमोट है, इंट्रोवर्ट है, ये सारे इसके सिनोनिमस वर्ड बन जाएंगे। बढ़ते अगले वर्ड पे, माई फ्रेंड अशोका वॉज नॉट इन क्लास यस्टरडे एंड, और आगे आपको फिल करना है। तो इसको कैसे फिल करोगे, कह रहा मेरा फ्रेंड अशोक जो था वो कल क्लास में नहीं था और ना ही मैं। तो ये एडिशनल सेंटेंस का टॉपिक है। एडिशनल सेंटेंस को आप कैसे सॉल्व करते हो वो समझिएगा, ठीक है। या तो आप अफर्मेटिव बनाते हो, तो सो लगा करके आप आगे सो के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट लिखा करिए। अगर निगेटिव बनाना है तो आप नीदर लगा करके बनाइए, और नीदर के पहले हेल्पिंग वर्ब होगी फिर सब्जेक्ट होगा। ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा। पॉजिटिव बनाना है तो ऐसे बनाओ, निगेटिव बनाना है तो ऐसे बनाओ, क्लियर। इस टॉपिक को नाम देते हैं एडिशनल सेंटेंसेस, ठीक है। हालांकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ये एसएससी में बहुत पूछा जाता है, ठीक है।
यहाँ पर मी नीदर आई आल्सो नीदर वॉज आई ईदर वॉज आई, और यहाँ पर चूंकि निगेटिव ऑलरेडी दे चुका है इसका मतलब निगेटिव से बनेगा, मतलब नीदर से बनेगा, और करेक्ट आंसर होगा आपका नीदर वॉज आई। देखिए सब्जेक्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब पहले है, इसी को बोलते हैं एडिशनल सेंटेंसेस। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। 634 की तरफ चलते हैं भाई, बताएं इसका आंसर 634 का। द पेंटर डिड सच अ गुड जॉब इन माई बेडरूम दैट आई टू एवरी वन। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे, किस तरीके से सॉल्व करोगे, ये आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है कि पेंटर ने क्या किया है, बहुत अच्छा जॉब किया, मतलब अच्छी पेंटिंग की है बेडरूम में, दैट आई टू एवरीवन, कि मैं सभी को रिकमेंड कर सकता हूँ, ये कहना चाह रहा है। अब देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पर आपके पास क्लिव है, क्वेश्चन खुद बताता है उसको कैसे सॉल्व करना है। ये देखो डिड लगा रहा है, इसका मतलब सेंटेंस आपका किस में हो गया, पास्ट में हो गया। पास्ट में हो गया तो पूरा पास्ट में बनेगा, पहला वाला एम प्रेजेंट में गलत, विल फ्यूचर में गलत, वुड बी रिकमेंडिंग, और आई स्वयं काम करेगा तो वुड भी तो लगाओगे नहीं, तो यहाँ पर होगा वुड रिकमेंड ये, और यहाँ पर रिकमेंड होना चाहिए था ना कि रिकमेंडिंग, तब ये का आंसर सही होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, थर्ड। भाई पेंटर ने बहुत अच्छा काम किया मेरे बेडरूम में, इसलिए मैं सभी को रिकमेंड कर सकता हूँ भाई कि उसी से काम कराएं, क्यों भाई बढ़िया पेंटर है, अच्छा पेंटर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 635 हमसे क्या कह रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है आई एम अफ्रेड वी रियली कॉन्ट लिव अंटिल मिसेज रजिया सो, है ना। अच्छा ये देखो क्वेश्चन खुद बता रहा है, एम का मतलब प्रेजेंट हो गया बंधु, ठीक है। अच्छा कॉन्ट का मतलब प्रेजेंट हो गया, तो पास्ट आएगा नहीं, पास्ट आएगा नहीं तो ये हटा, पास्ट आएगा नहीं तो ये हटा, इज अ सेइंग और सेज आपको लिखना है, तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा सेज। आई एम अफ्रेड मैं भयभीत हूँ, वी रियली कॉन्ट लिव मैं लीव नहीं ले सकता अंटिल जब तक कि मिसेज जो रजिया है वो जब तक नहीं कहते तब तक मैं छुट्टी नहीं ले सकता। आइए नेक्स्ट चेंज द नरेशन, नरेशन आपको चेंज करना है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक बात आपको समझ में आएगी, कह रहा दे सैड लॉन्ग लिव आर डेमोक्रेसी, लंबे समय तक हमारी डेमोक्रेसी रहे बसरते ये करप्ट नेताओं से बच पाए तब, ठीक है। देखो तो क्या कह रहा, दे विस्ड बिल्कुल दे विस्ड, लेकिन दे स्क्लाइम्ड विस्ड ये नहीं लिख पाओगे आप, है ना। अब एक बात बताओ, देयर डेमोक्रेसी लॉन्ग, नहीं गलत हो गया, दैट देयर डेमोक्रेसी माइट लिव लॉन्ग, ये मे आ अंडरस्टूड है, तो आप इसको ऐसे बनाइए देयर डेमोक्रेसी माइट बी लिव लॉन्ग, करेक्ट आंसर होगा आपका सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 37 दे हैड टू बिल्ड द ब्रिज, ये इन्फिनिटिव का पैसिव है, इन्फिनिटिव वाले मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिटिव जो होता है वो क्या होता है, 2+V1 को हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, किसको इन्फिनिटिव बोलते हैं, 2+V1 को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं, क्लियर। और इसका जब पैसिव आप बनाते हो तो क्या बनता है, 2+V+ verb की थर्ड फॉर्म, ये आपका इसका क्या बनता है, पैसिव बनता है, ठीक है। ये इन्फिनिटिव का एक्टिव है, ये इन्फिनिटिव का एक्टिव है, ये इन्फिनिटिव का क्या है, आपका पैसिव है, ठीक है, बस इतना ध्यान देना। तो यहाँ पर टू बिल्ड लिख रहा है, टू बी बिल्ट होगा, यहाँ पर देखो टू बी बिल्ट, क्लियर। तो इसका मतलब ये देखो, ये कट गया ये भी हट गया, करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया, थर्ड। बाई द ब्रिज को पहले लाओगे, पहले ले आए, हैड हैड लगा दो, टू बिल्ड की जगह क्या लिखोगे, टू बी बिल्ट, क्लियर। बाई देम तो यहाँ तो कोई मीनिंग है नहीं, अगर नहीं लगा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ये सही होना चाहिए आगे वाला, ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो गया। आइए नेक्स्ट 638 आई थिंक आर फूड विच इज़ नॉट फ्रेश, इसने तो नाक में दम कर रखा है, और इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, स्टेल या वेटरन होगा, वेटरन का मतलब अनुभवी व्यक्ति होता है। आइए नेक्स्ट लेजी, लेजी का मतलब होता है सुस्त, आलसी, स्लजिस, इसको ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड होता है आपका स्लजिस, स्लजिस का मतलब होता है आलसी। जैसे एक वर्ड और आता है लिथार्जिक, ये सारे वर्ड पूछे जाने वाले हैं आपसे, लिथार्जिक। जैसे आपका आता है इंडोलेंट, जो हिले डुले ना उसको इंडोलेंट बोलते हैं। जैसे एक आता है हम ड्रम, जो ड्रम की तरीके पड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, हम ड्रम बोलते हैं, आलसी बोलते हैं, क्लियर। तो ये देखिए ये सभी इसके सिनोनिमस वर्ड है, याद कर लीजिएगा, हेल्प करेंगे आपको। आइए करेक्ट आंसर आपने पता कर लिया। 639 पे आते हैं, 639 हमसे क्या कह रहा है, जनरल अवेयरनेस जो सामान्य जागरूकता है एंड एजुकेशन, और जो एजुकेशन फैसिलिटीज हैं द ऑफ स्पेसिफिक स्किल, ये स्पेशल तरीके के
स्किल का क्या करती है, एक्विजिशन करती, अर्जन करती है। व्यक्ति के अंदर जो सामान्य जागरूकता होती है और जो एजुकेशन फैसिलिटी होती है वो स्पेशल तरीके के स्किल्स का अर्जन करती है। एक्विजिशन करने का मतलब होता है अर्जन करना, क्लियर। इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आप चीज़ों को सीख जाते हो, आपको सीखना नहीं पड़ता है ना, तो इसी चीज़ को बोलते हैं क्या, एक्विजिशन। जैसे कोई बच्चा है, जन्म से उसे बहुत सारी चीज़ें सिखाई नहीं जाती फिर भी वो सीख जाता है। जैसे रोना है उसे नहीं सिखाया जाता कैसे रोना है, जैसे उसको कई ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं सिखाई जाती फिर भी वो सीख जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन। आइए नेक्स्ट, सिक्स वोल्टे ग्रेटिफाई, संतुष्ट करना इसका मीनिंग होता है। ग्रेटिफाई करने का मतलब होता है संतुष्ट करना, इसका मीनिंग होता है संतुष्ट करना। अब आपको क्या निकालना है, सिनोनिमस निकालना है, ठीक है। तो आप देखिएगा सिनोनिमस आपको निकालना है इस वर्ड का। फ्रैंक आप जानते हो, अप्रिशिएट जानते हो, अप्रिशिएट करने का मतलब प्रशंसा करना होता है, अप्रिशिएशन देना किसी को मतलब प्रशंसा करना है ना। और इसके बाद पैसिफाई, इंडल्ज करने का मतलब शामिल होना होता है किसी चीज़ में, इंडल्ज है, इन्वॉल्व है, इनग्रोस है, ये मीनिंग आते हैं। और इसी तरीके से आता है, आपका आता है पैसिफाई, शांत करना, संतुष्ट करना, जिसको आप बोलते हो क्या, मॉलीफाई, इसी को आप बोलते हो मॉलीफाई, इसी को आप क्या बोलते हो, एस एच बोलते हो, ASUAGE, एस एच मॉलीफाई, एस एच, क्लियर। और प्लेकेट एक वर्ड आता है, प्लेकेट, क्लियर। ये सारे वर्ड आते हैं, इन सभी का मतलब शांत करना होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं बंधु नेक्स्ट में, 641 की तरफ आते हैं। कह रहा है वेन, वेन का मतलब होता है ग्रेजुअली वीकन, धीरे धीरे कमजोर पड़ना, ये वेन का मीनिंग होता है, ठीक है। ये वेन का मीनिंग क्या होता है, ग्रेजुअली वीकन। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर रोजी तो जानते हो, रेस्ट जानते हो, ह्यूमिलिटी, ठीक है, ये आप जानते हो। वैक्स इसका अपोजिट बन जाएगा, अपोजिट आपसे पूछ रहा है। वैक्स होने का मतलब गाढ़ा होना, जो कमज़ोर नहीं हो रहा है। जैसे मोम के लिए आप वैक्स यूज करते हो, है ना, तो जो बहुत ही ज़्यादा हाईली थिक्ड होता है ना, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, 642 की तरफ चलते हैं। रेटिसेंस, रेटिसेंस का मतलब देखिए बच्चा, सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा, आप लोग लाइक जरूर करिएगा, और अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल फर्स्ट, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिएगा, इंग्लिश विद पुष्पेंसर के नाम से, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, टाइमली और क्लास को अटेंड कर सकते हैं। रेटिसेंस का मतलब होता है अल्पभाषिता, रेटिसेंट, जैसे एक वर्ड आता है आपका रेटिसेंट, रेटिसेंट इसका एडजेक्टिव बन जाता है, ENT लगने से एडजेक्टिव बनता है, ये याद रखिएगा, ENCE लगने से नाउन बनता है, ये याद रखिएगा, ENCE ये क्या बनाता है, नाउन, क्लियर। तो रेटिसेंट का मतलब होता है अल्पभाषी, अल्पभाषी मतलब जो बहुत कम बोलता है उसको बोलते हैं अल्पभाषी, इसी को बोलते हैं टैसिटर्न, याद होगा आपको टैसिटर्न इसी को बोलते हैं, मतलब बहुत कम बोलने वाला, क्लियर। फटीग का मतलब होता है थका हुआ, टायर्ड, है ना, इसका मतलब होता है टायर्ड। तो रेटिसेंस का मतलब होता है अल्पभाषिता, कम बोलने का जो गुण है उसको रेटिसेंस बोलते हैं। फैशन जानते हो, ट्रीचरी का मतलब धोखाधड़ी होता है, ट्रीचरी का मतलब होता है धोखाधड़ी, ठीक है, धोखाधड़ी ये कहते हो आप। और लुकासियसनेस का मतलब बाचालपन, जो हमेशा बड़बड़ लगा रहे उसको क्या बोलते हैं, लुकासियसनेस, लुकासियस का मतलब बाचाल होता है, LUCIOUS, लुकासियस का मतलब होता है बाचाल, बहुत ज़्यादा बड़बोला, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, है ना, उसको बोलते हैं बाचाल, ठीक है, जो हमेशा बकबक करता रहता है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 643 की तरफ, बंधु बात करते हैं। कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब, वह सही वर्ब आपको आइडेंटिफाई करनी, इफ दे, और ये डिसाइड करेगा बाद में क्या लिख रहे हो, वुड हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म, और ये मैंने आपको कंडीशनल पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, इफ के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म, मतलब अगर सब्जेक्ट इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस है तो अगले वाले में वुड, कुड, शुड जरूरत के अनुसार हम लगाएंगे, और उसके साथ हैव लगाएंगे, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ये एक्चुअल में प्रॉपर आपका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, वुड हैव लेफ्ट, ये बनेगा जा करके। 644 की तरफ बढ़ते हैं बंधु। आ क्राइम इज चार्ज्ड अ मैन, सही प्रपोजिशन आपको फिल करना है। तो यहाँ पर कह रहा है एक क्राइम जो चार्ज किया गया किसी व्यक्ति के खिलाफ, अगेंस्ट, अगेंस्ट अ मैन, अगेंस्ट का मतलब के विरुद्ध, है ना, ये ध्यान दीजिएगा।
और किसी पर कोई चार्ज लगाया गया तो चार्ज आप लगाते हो, आप चार्ज वित्त लगाते हो, पीछे पड़ चुके हैं कई बार, ठीक है। तो किसी व्यक्ति के खिलाफ चार्ज करना, ठीक है, वो चार्ज अगेंस्ट होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा आप बताइएगा चार्ज के साथ कब वित्त लगता है और कब ऑफ लगता है, ये कई बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एक वित्त लगता है और एक ऑफ का ऑफ लगता है, दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है ये आप बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 646 आई एम डिसप्लीज्ड, असंतुष्ट हूँ, ठीक है। संतुष्ट ना होना ये होता है डिसप्लीज्ड। डिसप्लीज्ड के साथ आप क्या लगाओगे, डिसप्लीज्ड के साथ समबडी, जैसे आप क्या यूज करते हो, एंग्री, एंग्री का मतलब डिसप्लीज, वही सेम मीनिंग है। तो जो ऐसा टर्म आप एंग्री के साथ यूज करते हो वैसा टर्म आपको डिसप्लीज्ड के साथ यूज करना है। डिसप्लीज्ड होने का मतलब नाखुश होना, मतलब एंग्री होना, इसका मतलब इसके साथ विथ आता है और इसके साथ क्या आता है, एट आता है। विथ आता है समबडी के लिए, एट आता है समथिंग के लिए, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यू समबडी हो गया तो विथ आ गया, और डिसप्लेस्ड योर फन, योर फन मतलब समथिंग हो गया, समथिंग हो गया तो एट आ गया। करेक्ट आंसर आपका कौन सा बन गया, सेकंड बन गया। होपफुली समझ आ गया होगा, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, हम लोग बात करते हैं बंधु, ठीक है। देखिएगा अगले स्टेप की तरफ हम लोग बात करते हैं। 646 के बाद 647 कह रहा है, वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, जो पैसे के लिए संघर्ष करता है, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ मनी, ऐसा कौन होता है। अमेचर का मतलब शौकिया होता है, जो कोई भी काम शौक के लिए करता है। और ध्यान रखना इसका अपोजिट क्या होता है, प्रोफेशनल होता है। बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको, इसका अपोजिट क्या होता है, प्रोफेशनल होता है, याद रखिएगा। इसका अपोजिट होता है प्रोफेशनल। पैट्रियॉट का मतलब होता है देशभक्त, इसका मतलब होता है देशभक्त, क्लियर। वैरियर का मतलब योद्धा होता है, ये आप जानते हो। वैरियर का मतलब नेपोलियन दी वैरियर आप बोलते हो, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका मर्सेनरी होगा, ठीक है। और जो सोल्जर किराए पर हायर किए जाते हैं उनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, मर्सेनरी बोलते हैं। दी सोल्जर दैट आर हायर्ड, ठीक है, उनको भी हम क्या बोलते हैं, मर्सेनरी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, मर्सेनरी होगा बंधु, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखिए 648 द मर्डर ऑफ अ किंग, किसी राजा की हत्या कर देना क्या कहलाता है। होमिसाइड, होमिसाइड किसी व्यक्ति की हत्या करना होता है। द मर्डर ऑफ अ मैन, किसी व्यक्ति विशेष की हत्या कर देना मर्डर ऑफ अ मैन कहलाता है। कॉम्प्लिस का मतलब, ये बहुत बार बताया आपको, सह अपराधी होता है, अपराध में साथ देने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम लोग सह अपराधी बोलते हैं। रेजिसाइड का मतलब राजा की हत्या होती है, रेजिसाइड का मतलब राजा की हत्या, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो। आइए, और बूचर का मतलब क्या होता है, ये एक कसाई होता है, बूचर का मतलब कसाई, ठीक है। अच्छा वो प्लेस जिसको बूचड़ खाना बोलते हो, ठीक है, उस प्लेस का नाम बताओ आप, उसको क्या कहते हो, बूचड़ खाना को आप क्या कहते हो, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो होगा रेजिसाइड, राजा की हत्या, रेजिसाइड, ठीक है। और पहले हमारे देश में क्या चलती थी, मोनार्की, ठीक है, पहले क्या चलती थी, मोनार्की। मोनार्की का मतलब क्या होता है बंधु, राजा शाही, एक राजा राज्य करता था, बाकी प्रजा होती थी। तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते थे, मोनार्की बोलते थे, राजा शाही बोलते थे। आइए 649 की तरफ बढ़ते हैं। डिलीट करने का मतलब होता है डिलीट करना, ठीक है, डिलीट करने का मतलब हटा देना, है ना। इसका अपोजिट रिमूव हो जाएगा, इंज्यूर हो जाएगा, या इंस्पायर मतलब प्रेरित करना, इंसल्ट इसका करेक्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ तक होपफुली आपको कोई समस्या नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा है आपका, 650 ऑल्दो इट हैज़ बीन टू ईयर्स, लगभग दो साल हो गए सिंस दिस बुक वॉज फर्स्ट पब्लिश, जब पहली बार ये बुक पब्लिश हुई थी। खैर पहली बार जब ये पब्लिश हुई थी, इट्स इंडियन एडिशन, इंडिया एडिशन नहीं होगा यहाँ पर, सही करिएगा, यहाँ पर होगा आपका इंडियन एडिशन, जो इंडियन एडिशन है जस्ट बीन अभी लॉन्च किया गया है, ये करेक्ट आपका आंसर होगा, ठीक है। होपफुली समझ आ गया होगा, और इस तरीके से ही आपके टोटल जो 20 क्वेश्चंस है वो होते हैं यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है।
चलिए तो यहाँ अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बंधु आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अब एक बड़ा सेशन आपको मिलने वाला है करीब 150 प्लस क्वेश्चंस का, प्रॉबेबली कल हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा, कम से कम 150 क्वेश्चन एक साथ, और बहुत जल्दी हम लोग इसको ख़त्म करने पर आने वाले हैं 2000। देखिए 650 तक पहुंच गए हो, लगभग 650 क्वेश्चन, अब लगातार आपके लगभग लगभग 100 प्लस की सीरीज ही चलेगी। एक दिन में लगभग 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली 10 तारीख के पहले पहले, 10 तारीख या 11 तारीख 12 तारीख तक हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, पूरा 2000 वाला। फिर उसके बाद आप जैसा कहोगे, जो भी टॉपिक कहोगे उसमें जो भी अभी भी आप टॉपिक बता सकते हो, जिस टॉपिक में आपकी कमांड नहीं है उस टॉपिक की मैं आपको मैराथन दे सकता हूँ, ठीक है। मतलब मैराथन आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। दे क्या सकते हैं, मतलब इट मीन्स बहुत मेहनत लगती है, आपको लगता है कि आसान होता है इन सभी सेशंस को आपके सामने रिप्रेजेंट करना, लेकिन इनके पीछे कितनी मेहनत होती है ये तो आपको लगता है कि 20 मिनट का, 30 मिनट का, 40 50 मिनट का वीडियो है, ठीक है, दैट्स इट, इतना नहीं है, इसके पीछे के एफर्ट्स बहुत होते हैं। आइए नेक्स्ट, तो एक चीज़ और, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, किसी भी तरीके की क्वेरीज है तो आप इस नंबर पर कर सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन बैचेस के रिगार्डिंग अगर आप कुछ कोई भी क्वेरी करना चाहते हो तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिलहाल आज के सेशन के लिए बंधु इतने रखते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू क्लास, आप सभी शूरवीरों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए।